हेलो, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अभी तक के लास्ट क्लास में आवाज आ रही है आप सबको मेरी? साउंड आ रहा है? अभी तक के लास्ट क्लास में आप लोगों ने एब्सोल्यूट कर लिया है, ठीक है? इसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लिया है, स्लोप वगैरह कर लिया है। किसी का कोई डाउट हो स्लोप में तो मुझे आज बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर वगैरह लिख के, ठीक है, मैं समझा दूंगा। और इसके अलावा आप लोकल मैक्स को दो पार्ट में बांट चुके हो। लोकल मैक्स में एक्सरसाइज 6.5 को मैंने दो पार्ट में पढ़ा हुआ है। 6.5 का ए पार्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक को मेंशन किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहता है ये, बट कराया है आपको। इसके अलावा 6.5 का बी पार्ट, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 29, 27 जहां तक भी है वहां तक इसको टच किया है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 से लेके लास्ट टू क्लासेस के अंदर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 21 तक कर लिया था, 22 तक, ठीक है? यहां तक की कहानी हमारी खत्म हो गई थी। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, आप लोगों ने मेनली इसके अंदर लोकल मैक्स लोकल मिन का फीचर पता लगाना होता है, और वो पता करने के लिए पहले फंक्शन बनाना होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो भेजी है, पिछली वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सेट्रा बहुत सारे फॉर्मूले, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एनीथिंग, बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताई है। ये सभी चीजें आपको एक बार रिवाइज करनी है, और आपको ये सारी चीजें हेल्प में आएंगी फंक्शन बनाने के। एक बार फंक्शन बन जाता है तो फंक्शन बनने के बाद आप लोगों को उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जिससे ये पता लग सके कि ये मैक्स है या मिन है। उसको पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया था आप डबल डेरिवेटिव की तरफ जाते हो, एफ डैश एक्स की तरफ। आपका एफ डैश एक्स 0 पुट हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, उसके बाद आप डबल डेरिवेटिव की तरफ जाते हो। अगर डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट ए पुट करने पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मैक्स, और पॉजिटिव आ रही है तो मिन। यहां तक की स्टोरी आपकी क्लियर थी? इस पर मैंने क्वेश्चन नंबर 13 से 21 किया था। आज और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, थोड़ा हाई लेवल उनका, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक मेरे हिसाब से क्लियर है, 22 की तरफ चलते हैं, 22 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लो एक बार, 22 क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 22 मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। एक वायर है, ध्यान से, एक वायर है, वायर की जो लंबाई है वो 28 मीटर है। वायर की जो लंबाई है वो कितनी है? 28 मीटर है। चलो बहुत बढ़िया, वायर की लंबाई 28 मीटर है, इसको कट कर दिया।
मिडल से तो नहीं, मुझे नहीं पता कहां से कट किया, मिडल से किया कहां से किया है, लेकिन एक बात क्लियर है उसको कट कर दिया है। तो एक पार्ट को हम एक्स मीटर मान लेते हैं, तो आप भी जानते हो ये वाला पार्ट कितने का बचेगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 28 माइनस का एक्स मीटर, 28 माइनस का कितना एक्स मीटर, ये हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले मैं क्या लिखूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स मीटर एंड सेकंड पार्ट कितना बच गया, सेकंड पार्ट बी 28 माइनस का एक्स मीटर, ये ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ने कहा है कि उसने क्या किया है, जो दोनों पार्ट को कट किया है उन दोनों पार्ट में एक पार्ट को स्क्वायर बना दिया है, दूसरे पार्ट को सर्कल, ज्यादा नहीं पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, एक पार्ट से बना दिया स्क्वायर, एक पार्ट से क्या बना दिया स्क्वायर, चलो ठीक है, एक पार्ट से क्या बना दिया सर्कल। एक कॉमन सेंस लगाओ यहां पे, इस स्क्वायर वाले की पूरी लंबाई, इसका नाम लिख लेता हूं मैं PQRS, आप मुझे बता सकते हो लेंथ ऑफ PQRS या पेरीमीटर ऑफ PQRS कितना होगा, कोई बताएगा कमेंट करके बताओ। आज थोड़ा सा एक्सरसाइज आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, आप आज मुझे बताओ जो जो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ PQRS कितने मीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ PQRS कितने मीटर होगा, किसी को पता है, कॉमन सेंस लगाओ, उस स्क्वायर की लंबाई लेंथ ऑफ PQRS या पेरीमीटर ऑफ PQRS कितने मीटर हो सकता है, ये मुझे आप बताओ पहले सोच के, फिर मैं आगे बात करता हूं, फिर मैं आपको साइड निकाल के दूंगा, सोचो। हाँ जी, किसने x मीटर, ठीक है x मीटर होगा, क्योंकि x मीटर जो उसका पार्ट है, सही बताया आपने, x मीटर को ही कवर करके एक जितनी लंबाई थी उस लंबाई को जस्ट इस शेप में ला दिया, ये शेप आपका PQRS है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता है कितना है, कितना है x मीटर, आपने अभी बताया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 into साइड, क्या होता है 4 into साइड इक्वल टू एक्स मीटर, तो साइड इक्वल टू कितना होगा, साइड इक्वल टू होगा एक्स बाय 4 मीटर। मुझे साइड चाहिए था, अगर साइड नहीं मिलेगा तो मैं कैसे एरिया निकालूंगा, एरिया के लिए मुझे साइड जरूरी है, ठीक है। उसी तरह एरिया ऑफ ए सर्कल के लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मुझे आप बताओ इस सर्कल का जो लेंथ है या सर्कमफ्रेंस है या पेरीमीटर है, इस सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, अगला क्वेश्चन आपसे ये है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सोचो, बाकी बच्चे का दिमाग लगाओ। एक नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट वीक से जो है वो मेरी क्लास हो सकता है ऑफलाइन हो जाए, सैटरडे को कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, जैसे चलती है वैसे चलेगी। अगर अनुसरी क्लास MWF में होगी तो मेरी हो सकता है जस्ट उसके बाद हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम अल्टरनेट डे में रोज नहीं बुला सकते, क्योंकि अभी प्रॉपर लॉकडाउन नहीं खुला है। और अगर अनुसरी क्लास TTS में होगी तो उन्हीं के बाद या उनके पहले मेरी क्लास हो सकती है, ठीक है, उसका टाइम आपको पता लग जाएगा। मुझे नहीं लगता इस वीक में अनुसर आपकी क्लास लेने वाले हैं, ठीक है, ऑफलाइन इसके चांसेस कम है, क्योंकि पूरी तरह से रिस्क वाली बात हो जाएगी है। बाकी आपने आंसर सही बताया, ठीक है, बिल्कुल सही बताया ऐश्वर्या, बिल्कुल शिक्षित सक्षम भी बताया आपने, 28 माइनस एक्स इसका पेरीमीटर होगा, यहां से रेडियस निकल जाएगा, लिखोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यही होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, पहले तो आपने बताया 28 माइनस एक्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2πr, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स, रेडियस निकाल लो यहां से जल्दी से, पाई की वैल्यू मत रखना क्योंकि पाई की वैल्यू को बोला नहीं है पुट करने को, इसलिए बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आंसर में अलग अलग चेंज आ सकता है अगर आप पाई पुट करते हो तो। रेडियस आपका आ गया है,
चलो यहां तक की कहानी आपने कर ली, इतना करने के 5 में से 2 मार्क्स हैं। अगर आप इतना कर लेते हो इस क्वेश्चन में तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे 100%। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि मुझे ये बताओ कि कंबाइंड लेंथ क्या होगा, कंबाइंड लेंथ क्या होगा इन दो पीसेस का अगर कंबाइंड एरिया को हम मिनिमाइज करें। ठीक है, कंबाइंड एरिया को क्या करना है? मिनिमाइज। तो आपका टारगेट आपको पता लग गया है कि जो इनका कंबाइंड एरिया है उसको क्या करना है? मिनिमाइज। दोनों की एरिया को सम करके डबल डेरिवेटिव करके पॉजिटिव दिखाना होगा, तभी वो मिनिमाइज हो पाएगा। चलो करते हैं। अब आप लिखोगे टारगेट पे और टू द पॉइंट लिखोगे C4 कंबाइंड एरिया ऑफ क्या, कंबाइंड एरिया ऑफ क्या जल्दी बताओ, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कल, ये बात है बस। अब आप मुझे बताओ C4 कंबाइंड एरिया तो हो ही है, C का वेरिएबल x है तो आप इसको CX भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस अभी आप x मत लिखो, x बाद में लिख लेना, और ये हो जाएगा आपका कितना, सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पिछली वीडियो में सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, साइड आपको पता है कितना है, एक्स बाय 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस फंक्शन बनाना आपका पहला काम है। पाई रेडियस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपको है, कितनी है, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इसको आप सी एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक्स वेरिएबल आ गया है, कंबाइंड एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स है। आप मुझे बताओ पहले कि इनमें आपने फंक्शन जो बनाया है इस फंक्शन को डेरिवेटिव कब करने के लिए बोला? मैंने बोला डेरिवेटिव तब करना है जब ये फंक्शंस इजी हो जाए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसको पहले, cx इक्वल टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो अच्छा रहेगा आपके लिए, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वह ये आपका 2 पाई का स्क्वायर होगा 4 पाई, पाई स्क्वायर से पाई कट जाएगा मेरे हिसाब से, अपॉन में 4 पाई बचेगा, लिख देता हूं अपॉन में क्या बचेगा 4 पाई। कैलकुलेशन क्लियर है, और बच जाएगा 28 माइनस एक्स, अगर आप थोड़ा एज्यूम करो तो ये हो जाएगा। ठीक है, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर वो रहा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर होता है, ऊपर पाई है तो पाई को अगर 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड वगैरह करोगे तो कट जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके आगे एक डेरिवेटिव मैं कर देता हूं, मगर बाकी का काम आपको करना है, क्योंकि आगे से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस आपको पता है, एक बार फंक्शन बन जाता है फिर आप कर लोगे। देखो डेरिवेटिव कर रहा हूं 1/16 एक्स स्क्वायर का 2x, 1/16 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है इसलिए, इसी तरह 1/4 पाई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अलजेब्रा है, पावर पावर में से कितना लेस, 1 लेस, और विदाउट पावर 28 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, ये हो जाएगा। इसके आगे का काम आपको करना है, इसे 0 पुट करना है, 0 पुट करने के बाद यहां से x की वैल्यू निकालनी है, जो भी यहां से x की वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। एक बार क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए घर जाके डबल डेरिवेटिव करना, जो भी डबल डेरिवेटिव आ जाए उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देना, कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देना, क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देना। क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद आपका डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ये तो एक बात हो गई। क्वेश्चन में डायमेंशन भी पूछे हुए थे, डायमेंशन समझते हो, आपसे पूछा हुआ है कि वो रेडियस कितना होगा और साइड कितना होगा, तो एक्स निकलने के साथ साथ आपको आराम से क्या मिल जाएगा, आपको साइड मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, सॉरी। अब आप मुझे बताओ डायमेंशन के लिए क्या करोगे, साइड निकालने के लिए एक्स बाय 4, अगर आपने एक्स निकाल लिया है तो डायमेंशंस के लिए आप क्या करोगे, डायमेंशंस के लिए क्या करोगे, साइड की वैल्यू क्या है, साइड की वैल्यू है एक्स बाय 4, वो आप निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही रेडियस निकालना है, रेडियस का फॉर्मूला देखो, रेडियस इक्वल टू 28 माइनस एक्स निकाल लोगे अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगा। एक तो ये काम आपका होमवर्क है करने के लिए, और एक ये आपका डबल डेरिवेटिव क्या करना है, पॉजिटिव, दो जगह आपका होमवर्क है, कर लोगे इतनी सी बात है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर था ये 22 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉपी कर लो, मैं आधे क्वेश्चन करूंगा बाकी के, बाकी कंप्लीट करते आपको करना है।
ओके हो गया। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी कर लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, 5-6 तरह के बस डायग्राम है आपके सिलेबस में, ज्यादा नहीं है। या तो कोन आ रहा होगा, या तो सिलेंडर आएगा, या स्फीयर के अंदर सिलेंडर आ जाएगा, या स्फीयर के अंदर कोन आ जाएगा, ये ट्रायंगल वगैरह आ जाएगा। 5-6 तरह का डायग्राम है, इसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है। इसी पर आपको देखना है कि मैं कैसे स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस को। देखो, इसने बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ ए कोन है, और कोन इंस्क्राइब है किसके अंदर? स्फीयर के अंदर। ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने आपको बताया था सब कुछ, जो गिवन होता है उसको कॉन्स्टेंट मानते हैं। एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर कोन है, कोन के पास अपना एक रेडियस तो होगा, ये बात तो फिक्स है, और स्फीयर के पास अपना एक सेंटर भी होगा। चलो देखते हैं, आप मुझे बताओ पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मैं तो पढ़ चुका हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ ए कोन, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कौन डालाइन करो सबसे पहले, ये वर्ड है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन डालाइन कर लो। लार्जेस्ट वर्ड ये बता रहा है कि आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है, लोकल मैक्स प्रूफ करना है, आप एक एक करके करना है आपको। एक तो ये बात हो गई, अंडरलाइन करते रहो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, आगे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन मैक्सिमाइज, यानी वॉल्यूम ऑफ ए कोन को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन मतलब वॉल्यूम ऑफ ए कोन को मैक्सिमाइज करना है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इसमें इसने इंस्क्राइब किया हुआ है स्फीयर के अंदर कोन को, जिसका रेडियस आर है। स्फीयर का रेडियस आर देने का क्या मतलब, आप सोचो, स्फीयर का रेडियस आर देने का मतलब कि स्फीयर का रेडियस गिवन है, तो आप लिख दोगे रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर वो गिवन है, इज गिवन, दैट इज आर, कितना है, कैपिटल आर। जो चीज गिवन होती है उसको मैंने आपको बताया था ना, कांस्टेंट मानते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल आर कांस्टेंट है। बहुत ध्यान से शुरुआत करना, इसका मतलब कैपिटल आर कांस्टेंट है, इसको ओ ले लो, कैपिटल आर कांस्टेंट है, इसको बी ले लो, याद रहेगी मेरी बात, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल आर कांस्टेंट है यहाँ पे। चलो इसका मतलब बहुत क्लियर, यहाँ पे स्मॉल आर को हमें कोन का रेडियस बनाना पड़ेगा, तो आप लिखोगे लेट रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन क्या करेंगे, इसको स्मॉल आर बना देंगे, ठीक है, स्मॉल आर यूनिट, क्योंकि कैपिटल आर को क्वेश्चन नहीं बोला है, वो स्फीयर का पार्ट है। इसके अलावा लेट हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट को आप एच मान लो, मानना क्या होगा, तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। स्लैंट हाइट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, फिर भी पड़ेगी देखेंगे, नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था थोड़ी सी जगह छोड़नी है, ये जगह इसलिए छोड़नी होती है वेरिएबल को चेंज करने के काम आ जाए, इसलिए मैंने आपको बताया था आपका क्वेश्चन जो है फंक्शन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, तभी डेरिवेटिव हो पाएगा। चलो आगे देखते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, ध्यान से। आपका काम है क्या प्रूफ करनी, वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन प्रूफ करना, वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। एक काम और करना है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन 8/27 आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर के,
ये भी प्रूफ करना है आपको। एक काम और प्रूफ करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ये भी प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सबके पास बुक है, बुक परचेज कर ली है सबने, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन को 8/27 प्रूफ करना है, वो बाद की बात है, टू द पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम को क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन को मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में स्मॉल एच, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में स्मॉल एच। कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है इस फंक्शन में, कोई बताएगा मुझे इस फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है। इस फंक्शन में ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपका दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक तो रेडियस है एक तो हाइट है। या तो आप पूरी तरीके से वॉल्यूम को हाइट में कन्वर्ट कर लो या तो पूरी तरह से रेडियस में। V4 वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन के दो वेरिएबल, एक तो R और एक तो H, आपको एक ही वेरिएबल चाहिए होगा, उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके ऊपर, मेरे को लगता है लगा देना चाहिए दिमाग। आप मुझे बताओ इस पूरी हाइट को क्या कहा जा रहा है, इस पूरी हाइट को H कहा जा रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे कि मुझे अगर यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेना चाहिए। देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल कौन सा, ओडी और सी, सबको दिख रहा होगा। ट्रायंगल ओडीसी में एक पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, मैंने आपको बताया था जब डाटा ना मिले तो पाइथागोरस थ्योरम। ओडीसी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ओडीसी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। इस तरह का कोई भी डायग्राम होगा आप वही करोगे जो मैं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप वही करोगे जो मैं कर रहा हूँ, याद रहेगी ये बात, स्टार्टिंग में आप वही करोगे जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओडीसी, ओडीसी 90 डिग्री की वजह से क्या हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम कहता है ओसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ओडी का स्क्वायर जमा क्या हो जाएगा, सीडी का स्क्वायर। ओसी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, ओसी कैपिटल आ रहा है वो कांस्टेंट भी है, ओडी आपको शायद नहीं पता, देखते हैं। ओडी के बारे में भी मेरे को नॉलेज है अच्छी खासी, ओडी के बारे में आप थोड़ा यहां देख लो। आप मुझे बताओ ओडी किस चीज से बना है, अगर हम एडी में से एओ माइनस कर दें, अगर हमें ओडी चाहिए तो ओडी के लिए अगर हम एडी में से एओ माइनस कर दें, आपको नहीं लगता ओडी आ जाएगा, ओडी कैसे आएगा, पूरे एडी में से एओ माइनस कर दें तो ओडी आ जाएगा। ओडी की वैल्यू नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो, लेकिन एडी की वैल्यू तो पता है ना, एडी की वैल्यू कितनी है स्मॉल एच, यहां लिख दो स्मॉल एच, ठीक है। और एओ की वैल्यू कितनी है कैपिटल आर, वो कॉन्स्टेंट भी है, तो इसका मतलब ओडी की वैल्यू एच माइनस आर, तो आप ओडी की जगह लिख सकते हो एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सीडी, सीडी कितना है स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल आर जहां जहां दिख रहा है वो कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि वो गिवन है, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो और अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एच माइनस आर का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस कितना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहां से आपको किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, मुझे लगता है आराम से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लो, रूट से बच जाओगे। तो ये माइनस टू एच आर हो जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का टू एच कैपिटल आर, और एच स्क्वायर इधर आगे हो जाएगा माइनस, और क्या बच जाएगा आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, बहुत ध्यान से देखना सबको दिख रहा है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ये डायग्राम जब भी सामने आ जाए आपकी नजर इस पे होनी चाहिए, ऐसा ही कुछ करना है आपको भी, तो चलो कर दिया। अब आप मुझे बताओ क्या मैं अपने वॉल्यूम को आर स्क्वायर की जगह ये पुट कर सकता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब ये पूरी तरह से एच में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम एच वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करो भाई, टू एच दैट इज वेरिएबल, आर कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की है माइनस एच स्क्वायर, एक तो ये हो गया। बाहर क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, बाहर क्या है एच, तो एच लगा दो। अब मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव तब तक नहीं करना जब तक इजी ना हो जाए, थोड़ा सा आसान कर लो, 1/3 पाई तो है ही, एच को अंदर ले जाओ मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा टू एच स्क्वायर कैपिटल आर दैट इज कॉन्स्टेंट, एच स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई दैट इज क्यूब,
तो इसका मतलब आ गया एस क्यूब। ये आपका फंक्शन है इक्वेशन नंबर सेकंड। इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। जब यहां तक पहुंच गया जो बच्चा, उसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, सब कुछ हो जाएगा उससे। यहीं तक पहुंचने की प्रॉब्लम होती है बस। जो बच्चा यहां तक पहुंच गया उसका कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहां तक पहुंचने में लोगों को टाइम लगता है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद आपको पता है मुझे क्या करना है, कोई बताएगा अब क्या करें? इसके बाद आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना एच, क्योंकि एच वेरिएबल है। तो यहां पे वी एच क्या हो जाएगा, वी डैश एच, ये हो जाएगा। दिख रहा है सबको? 1/3 पाई बाहर, 1/3 पाई बाहर, कॉन्स्टेंट है ना इसलिए। उसके बाद 2h स्क्वायर, ध्यान से देखो 2 और r कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, h स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। 2 और r कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, h स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2h, हो गया। देखो माइनस h क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3h स्क्वायर। पावर, पावर में से एकलेस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, विदाउट पावर h के टर्म में कर दिया आपने डेरिवेटिव। दिख रहा है सबको यहां तक? यह डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट के लिए जीरो पुट करना है। जीरो पुट करते हैं, चलो जीरो पुट करो। जीरो पुट करेंगे आ जाएगा आंसर। पहले इसको थोड़ा कॉमन हम ले लो, पाई बाय 3, इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है, ले लो। यहाँ पे 2 × 4r माइनस 3h, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाओ जीरो पुट करना है इसको, तो पाई h बाय 3 का फैक्टर जीरो बना देगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, नॉट पॉसिबल। हाइट कैसे जीरो हो जाएगी, ये तो नहीं होगा। 4r माइनस 3h इक्वल टू जीरो, h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 4r/3। हाइट आपका निकल के आ गया इतना यूनिट, ठीक है, 4r/3। इसके बाद क्या करेंगे, याद है सभी को या भूल गए? इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे डबल डेरिवेटिव। आपको क्या पता ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, जो वॉल्यूम निकाल के बैठे उस क्रिटिकल पॉइंट पे। उसके लिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच करो। वी सिंगल डैश है, अब डबल डैश हो जाएगा, होने के बाद पाई बाय 3 बाहर, ठीक है, पाई बाय 3 बाहर कर दिया। पाई बाय 3 बाहर करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 2r और 2 × 4r, 2 × 4r कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। h अकेला है, h का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। इसके अलावा 3 × 6h, ये हो जाएगा डेरिवेटिव। h की वैल्यू रखो, h की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, h की जगह पे क्रिटिकल पॉइंट रखो 4r/3, 4r/3 रखो, जो पाई बाय थ्री रखो। उसके बाद 4r, तो 4r ही है 6, h की जगह पे 4r/3 कैंसिल करो, 3 × 6, देखो कितना आ रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव आना चाहिए हिसाब से, 4 × 8 होता है, 4 में से 8 गया तो -4, ये नेगेटिव हो गया, -4r, ठीक है, -3, -4r/3, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव आने पे लिख दोगे लोकल मैक्स हो गया, लोकल मैक्स एट किस पे, h इज इक्वल टू 4r/3 पे, ये हो गया। यहां तक बात खत्म नहीं हुई, अभी तो हमारा ये पार्ट हुआ है, अभी हमें ये पार्ट भी करना है। हमें दिखाना है वॉल्यूम कोन को 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो उसके लिए आपको हाइट के अलावा रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो देखो रेडियस कब निकलेगा, जब आप फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे। चलो करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के लिए जगह तो है नहीं। मेन कोऑर्डिनेट दिख रहा है आप लोगों को, उस साइड का लास्ट वाला पार्ट देखो। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप लोग आर स्क्वायर निकाल लोगे। अब मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन को 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करो। प्रूफ करने के लिए आपको आर स्क्वायर चाहिए। आर स्क्वायर में साइड में निकाल देता हूं, यहां पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर स्क्वायर यहां निकाल देता हूं, जगह बढ़िया है इसलिए, ठीक है। आप मुझे बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू है कितनी है, 2hr, कितनी है 2hr, माइनस का कितना है एच स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू 2h, एच की वैल्यू रख दो कितनी है 4r/3 इंटू में आर,
एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 4r/3 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर आराम से आ रहा है निकल के 4 × 8, 8 × 8r² ठीक है बाय 3, 4r कितना हो जाएगा 16r² बाय 9, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो एलसीएम वगैरह लोगे तो आ जाएगा ये 9, 3 × 3 = 9 मतलब 24r² माइनस 16r², आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24 × 16 गया तो 8r² / 9 ठीक है दिख रहा है यहाँ तक, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8r² / 9, आर की मत निकालना जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, आर स्क्वायर कितना आ गया 8r² / 9। अब आते हैं प्रूफिंग में, वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला ओपन करो, मैंने आपको बताया था कुछ भी प्रूफ करना हो, कुछ भी प्रूफ करना हो तो जहां आप डाटा रिलेट करते हो वहीं प्रूफ होता है। तो आपके पास फंक्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन निकाल लो एक बार, वॉल्यूम ऑफ ए कोन एलएचएस में उठाओ, वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है क्या होता है 1/3 πr² h, 1/3 π, आर स्क्वायर की वैल्यू अच्छे से जानते हो कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू है 8r² / 9 ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू है 8r² कैपिटल आर बाय 9 ठीक है ये हो गया, और h की वैल्यू देखते हैं कितनी है, h की वैल्यू है 4 by 4 by π² क्या हो गया r का क्यूब। आपको नहीं लगता वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का इसको ढंग से बना लिया तो आपका काम हो जाएगा, आप पहले यहां तक उतारोगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फिर आप उसके बाद ये सेकंड पार्ट पूरा उतारोगे, ये सेकंड पार्ट है, उसके बाद ये थर्ड पार्ट है ठीक है, और उसके बाद आप उतारना ये फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन है आपका, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, ऐसा कोई भी डायग्राम आ जाए तो उस केस में रेडियस एक जगह कैपिटल आर दे रखा होगा तो वो कॉन्स्टेंट मान लेना, कॉन्स्टेंट मानने के बाद आपको हमेशा ये वाला ट्रायंगल उठाना है, कौन सा ट्रायंगल उठाना है ये वाला, ये उठाने के बाद पाइथागोरस लगाने के बाद आपको स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी ठीक है, जैसा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे प्रोसेस चलना चाहिए। उसके बाद अगर वॉल्यूम बोल रहा है तो वॉल्यूम, सर्फेस एरिया बोल रहा है तो सर्फेस एरिया, और लेटरल बोल रहा है तो लेटरल, जैसा मर्जी जो बोल रहा है उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना, वन वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो चुका था, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती किसमें एच में, क्योंकि बड़ा आर तो कॉन्स्टेंट है इसलिए टोटली ये एच में आ गया था, और उसके बाद डेरिवेटिव किया, उसके आगे गाने आपको पता है। सारे क्वेश्चन घर पे दो दो बार रिपीट करने हैं, 2 times याद रहे, ये चैप्टर आपको तभी आएगा जब आप सारे क्वेश्चन कम से कम 2 times रिपीट करोगे बिना देखे ठीक है, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। कॉपी कर लो, कॉपी हो जाए तो इन्फॉर्म करना प्लीज।
जिन्होंने उतार लिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े एक बार दो तीन बार। एक इन्फॉर्मेशन है, देखिए जब तक मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ये फर्स्ट बुक मैं आपको कराई रहा हूँ। देखो फर्स्ट बुक के अंदर आपने ऑनलाइन क्लास ली है अभी तक, मोस्टली चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपने किया था ऑफलाइन, ठीक है, कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं पढ़ाया। चैप्टर नंबर 4 मैंने 85% आपको ऑफलाइन ही कराया था और 15% ऑनलाइन करा के खत्म कर दिया था। चैप्टर 5 मैंने आपको पूरी तरह से ऑनलाइन कराया, ठीक है, चैप्टर 5 आपको मैंने ऑनलाइन कराया और चैप्टर 6 में ऑनलाइन ही करा रहा हूँ आपको। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी इसका एक भी पार्ट अब ऑफलाइन की तरफ देखूं, ठीक है। हाँ वो बात अलग है क्योंकि जब प्रॉपर लॉकडाउन खुलेगा तो एक बार जब रिवाइज होगा तो मैं आपको इसे ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ सेकेंड बुक की तरफ मूव करने में, सेकेंड बुक की तरफ मूव करना चाहता हूँ मैं। और सेकेंड बुक का नाम है, पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन। तो मैं चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट वीक में मैं आपको ऑफलाइन क्लास दूँ तो मैं इंटीग्रेशन की तरफ मूव करूं। फर्स्ट बुक से जो भी चैप्टर रह जाएंगे वो मैं आपको बीच बीच में इसके अंदर इंक्लूड करके पढ़ा दूंगा। फर्स्ट बुक के अंदर मेनली चैप्टर क्या रह गया, चैप्टर नंबर 1 रह गया, चैप्टर नंबर 2 रह गया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। चैप्टर नंबर 1 बहुत छोटा है, चैप्टर नंबर 2 भी बहुत छोटा है, तो मुश्किल से 6-7 क्लास के चैप्टर है, बीच बीच में इसके बीच में इंक्लूड कर देंगे कहीं पे। तो मैं मेनली आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैप्टर 5 को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको सेकंड बुक इजी लगेगी, नहीं तो फिर सेकंड बुक बहुत टफ है, ठीक है। डेरिवेटिव आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मैं मेनली आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, जो भी डाउट्स हैं इस वीक के एंड तक आप क्लियर कर लेना इस बुक से, चैप्टर नंबर 3 से लेकर 6 तक। चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छा है और बाकी जो एक दो चैप्टर रह गए हैं इस बुक में वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। और हाँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि चैप्टर 6 में आपको एक दो बार या तीन बार और कराऊंगा, ठीक है, ये जो जब भी टाइम मिलेगा ऑफलाइन कराऊंगा, बट अभी नहीं। जो मेरा नेक्स्ट वीक होगा ऑफलाइन बैच वो इंटीग्रेशन के लिए होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेकंड बुक एंड द 12th क्लास। अब चलते हैं 24th क्वेश्चन पे, एक बार आप पढ़ लो 24th, मैं तब तक मिटा देता हूँ, ठीक है। 24th पढ़ो ध्यान से एक बार, 24 क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको डाटा लिखना है, किसको क्या लेट किया आपने, क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, आइडिया होना चाहिए आपको। और उसके बाद की कहानी फिर वही प्रोसेस, फंक्शन बनाना, प्रोसेस पूरा करनी, वो सब चीजें आगे जाके। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोन है, ठीक है, कोन में आपको मेरे ख्याल से कुछ गिवन तो दिया हुआ है, इसमें कर्व सरफेस एरिया आई थिंक गिवन दे रखा है, इसमें बोला हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। ये बोल रहा है शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट दिखाना है, पहला टारगेट, प्राइम टारगेट आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट दिखाना है। तो ये आपके लिए प्रूफिंग हो गई लोकल मैक्स लोकल मीन की, और भी कुछ प्रूफ करना है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि लीस्ट करते वक्त वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम भी गिवन है, गिवन में उसने दे रखा है कि वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है क्योंकि वो गिवन है। बहुत ध्यान से स्लो समझो इस चैप्टर को और कुछ प्रूफ करना है। और बोल रहा है एल्टीट्यूड को ना इक्वल दिखाना है रूट टू टाइम्स रेडियस। आप पढ़ लो लिखा हुआ है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, क्या दिखाना है रूट टू टाइम्स रेडियस। ये दो बातें प्रूफ करनी है, ये गिवन है। कहानी समझ में आई आपको,
क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल स्लैंट हाइट का रोल है, इसलिए मैंने एल भी ले लिया। तो लेट वेट कर लेना आप, लेट स्लैंट हाइट ठीक है इक्वल टू एल ठीक है, और वर्टिकल हाइट वी एच इक्वल टू एच, और रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर। ये तीनों चीज आप लेट कर लेना, कहानी स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं ठीक है। टू द पॉइंट आते हैं, पहले आपको क्या मिनिमाइज करना है, आपको कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। तो कर्व सरफेस एरिया को आप लिख लो टू द पॉइंट, सी फोर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। आप में से कोई बताएगा यहाँ कितने वेरिएबल है, यहाँ दो वेरिएबल है, एक रेडियस है और एक स्लैंट हाइट है। आपका फर्ज बनता है कि आप इसमें से किसी एक वेरिएबल में पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया चेंज कर लो, ये आपका फर्ज बनता है ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान देना आपको, पहले देखो कैसे करते हैं। उसके लिए आपको कुछ गिवन दिया हुआ है, कुछ डाटा दिया हुआ है, उसने बोला है कि वॉल्यूम जो है वो गिवन है। तो आप लिखोगे वी फोर वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोई बताएगा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, बार बार रिवाइज करते रहो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है। कई बच्चों को तो ट्वेल्थ में बोर्ड के एग्जाम तक में ये फॉर्मूले याद नहीं होते। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v तो कांस्टेंट है भाई, v फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट है, गिवन है इसलिए कांस्टेंट है, तो उसको छोड़ो। 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये होगी h की वैल्यू, यहाँ तक बात आ गई। आपको तो h की वैल्यू वहां दिख नहीं रही, वहां तो l है, तो मुझे ऐसा लगता है कि l का भी फॉर्मूला होता है, l का फॉर्मूला होता है l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर जमा r स्क्वायर। तो l का फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर जमा r स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ठीक है। करते हैं तो पाई r l की जगह पे अंडर रूट h स्क्वायर जमा क्या, r स्क्वायर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ना एक फायदा होगा आपका, स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहां पे भी क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है। अब मैं इस पूरे स्क्वायरिंग पार्ट को जेड मान रहा हूं, क्योंकि आप इस चैप्टर में जो भी कुछ करोगे आरएचएस की तरफ करोगे, एलएचएस को आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो सी आर कॉमा एल, सी आर कॉमा एल का स्क्वायर को क्या मान लिया, जेड, लेट कर लिया आपने जेड, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत इसकी है ठीक है। स्क्वायर करोगे क्या होगा, पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। मुझे लगता है अब आप एच की वैल्यू पुट कर सकते हो ठीक है। अभी भी आपका जेड दो वेरिएबल में, अगर आप देखो किसमें, एच में और आर में, अभी भी आपका जेड जो आप लेट करके लाए हो ऊपर से वो दो वेरिएबल में। रूट हटाने के लिए एलएचएस में ऐसा काम आप कर सकते हो, एलएचएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टारगेट आरएचएस की तरफ है, पाई आर एल की तरफ है इसलिए ठीक है। एच की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर है, वी तो कॉन्स्टेंट है, लिख लो एच की वैल्यू पुट करो। एच की वैल्यू हो जाएगी कितनी, हो जाएगी एच स्क्वायर की वैल्यू, जल्दी एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और वी स्क्वायर, पहले तो उतना लिखू, 3 का स्क्वायर 9 और वी स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर और आर की पावर 4, स्क्वायर करने पे पाई का स्क्वायर और आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, कितनी बात समझ में आ गई। अभी आपको थोड़ा इसको आसान करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आर में कन्वर्ट हो चुका है, अब एच आपको कहीं दिखेगा नहीं, और वी तो कांस्टेंट है तो उसकी तो चिंता ही छोड़ दो, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 9 वी स्क्वायर बचेगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर और आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4। यहां तक आप आ गए, आपका काम थोड़ा आसान हो चुका है। अब आप यहां से डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ठीक है, जेड डैश आर हो जाएगा। 9 वी स्क्वायर तो भाई कॉन्स्टेंट है, उसको तो भूल ही जाओ आप ठीक है, 9 वी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, उसको भूल जाओ। 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव सोच के बताओ क्या होता है, क्या बचा यहाँ पे, 9 वी स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो r की पावर -2, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, पावर, पावर में से एक लेस करोगे तो -3, विदाउट पावर करोगे r का क्या हो जाएगा, 1, तो आ जाएगा -2 अपॉन r का क्यूब ठीक है। ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा -2 अपॉन r का क्यूब, ये हो जाएगा।
यहां से पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, आर की पावर फोर का मतलब होगा फोर आर क्यूब, ये हो जाएगा। जेड आर, जेड डैश आर को जीरो पुट करने का टाइम आ चुका है, थोड़ा सा सॉल्व करके बस। 9 2 - 18 वी स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब इक्वल टू 4π² और आर की पावर 3। इसे आप जीरो पुट करना बहुत जरूरी है, जीरो पुट करते हैं, करो जीरो पुट। जीरो जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे तो देखते हैं माइनस वाला पार्ट है, आगे क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा 18 V² अपॉन में आर स्क्वायर आर की क्यूब, 18 V² अपॉन में आर का क्यूब इक्वल टू 4π² आर का क्यूब, 4π² और आर का क्यूब। यहां से आप वैल्यू को सॉल्व करो, मेरे हिसाब से आर क्यूब इंटू आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर की पावर 6, 4π² अपॉन में आ जाना चाहिए, ये आ गया ठीक है। 2 2 4 2 9 18, तो आर की पावर 6 क्या आ गया, 9V² अपॉन में 2π², ये आपका आ गया। आर की पावर 6 को लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, आर की पावर 6 को लिख सकता हूं 3 × 2, आर की पावर 6 को लिखा जा सकता है 3 × 2, सोच के बताओ, आर की पावर 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। अगले स्टेप पे आ जाओ, अगले स्टेप पे ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, ये 2 इधर आके हो जाएगा रूट 2 से कितना हो जाएगा पावर 1/2, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी सोचो ठीक है, 2 इधर आके कितना हो जाएगा 1/2, अब बताओ जल्दी से, सॉल्व हो जाएगा। हाफ का मतलब रूट होता है, 3 का रूट कितना 9, 9 का रूट कितना 3, वी स्क्वायर का वी, 2 का कितना हो जाएगा रूट 2, पाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 3V अपॉन में रूट 2 पाई बार से कितना पावर 1/3, ये आपकी आर की वैल्यू आ गई ठीक है। यहां तक क्लियर, आर की वैल्यू आपकी आ चुकी है, अब आपको डबल डेरिवेटिव की तरफ जाना है। डबल डेरिवेटिव की तरफ जाने के लिए आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पहला डिफरेंशिएशन आपको याद है आपने क्या किया, पहला डिफरेंशिएशन आपको यहां पे याद है, हो सके तो दूसरा डिफरेंशिएशन यहीं पे कर लो, ये चलो करता हूं, क्या हो जाएगा जेड डबल डैश आर ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से कर देता हूं डायरेक्ट, मुझे पता है बाकी आप देख लेना। -18V² बाहर आ जाएगा, -18V² बाहर आ जाएगा ठीक है, और देखो 1/r³ का डेरिवेटिव होगा -3/r⁴ प्लस 4π² और 4 3 = 12π² और आर स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा 12π² और आर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 3 = 54 सब जानते हैं, V² आर की पावर 4 प्लस 12π r² अब आपको दिख रहा है सब कुछ स्क्वायर में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। जेड डबल डैश आर में आप वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, आर की वैल्यू है 3V, सॉल्व नहीं करना है केवल पुट करना है, सॉल्व करने में मोटिव नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि हमें पहले से पता है वो सब पॉजिटिव है। ये जैसे ही पुट करोगे आप देख रहे हो कितना बचेगा 54V² आर की पावर 4 में ये वैल्यू पुट कर दो, आपको बार बार कह रहा हूं सॉल्व नहीं करना है, बस ये बताना है पॉजिटिव होगा या नहीं, पावर कितनी है 4, दैट इज पॉजिटिव, 12π r² में क्या पुट कर देना है 3V√2π। ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हुए बताना है आपको ये सारा कर्ली ब्रैकेट से कि ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये पावर कितनी है 4, तो जो भी कुछ आएगा वो पॉजिटिव आएगा। किसी का मन कर रहा है सॉल्व करने का तो सॉल्व कर सकता है, मगर नहीं करना है, ये सारी वैल्यू डबल इसमें जेड डबल डैश आर ठीक है 3V अपॉन तो √2π पे क्या हो रहा है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका लोकल मिन है, एट किस पे आर की वैल्यू 3V अपॉन कितना √2π पे, ये तो काम हो गया चलो ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब आपका एक काम कंप्लीट हुआ, आपको प्रूफ करना था कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट करना था, लोकल मिनिमम करना था, दूसरा काम था हाइट को √2r के बराबर लाना। तो पहले आप इतना उतारो फिर मैं आपको बता देता हूं, या मैं ऊपर बता देता हूं आपको कि प्रूफिंग कैसे होती है। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको दो दो बार रिपीट करने हैं, ये क्वेश्चन बड़े होते हैं और इनको करना आपको आना चाहिए। प्रूफिंग देखो, प्रूफिंग कैसे होती है, सबको दिख रहा है, इतना एरिया दिख रहा है सबको,
ऊपर राइट साइड, हाँ देखो हाइट इक्वल टू रूट टू वार्ड लाना है। मैंने आपको बताया था प्रूफिंग करने के लिए जो भी कुछ कांस्टेंट होता है इसकी तरफ ध्यान दिया करो कि ये हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले आपको यहां से एक काम करना होगा, v की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको v की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए यहां से, ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो मुझे लगता है कि मैं लिख देता हूं पहले, तो हमारे पास एक्चुअली में सिंस, ठीक है, r की पावर 6 दिख रहा है सबको, इक्वल टू कितना है 18v² अपॉन में 4π². यहां से मैं v की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपको दिख रहा है यहां पे, ठीक है, प्रूफिंग करने के लिए हाइट और 12π² r² नहीं होगा, फिर वो देखता हूं डबल डेरिवेटिव के बाद, देखो 4π² तो बाहर आ जाएगा, r की क्यूब का क्या होगा, r की क्यूब का होगा 3r², तो 4 3 12r² होना चाहिए भाई, ये ठीक है, ये ठीक है, यही है। देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में 4π² बाहर है, r की क्यूब का क्या हो जाएगा 3r², तो फिर वो 4 3 क्या हो जाएगा 12π² और r², अच्छा ये कह रहे हैं यहाँ π² नहीं होगा, हाँ π² हो जाएगा, यहाँ पे π² हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ देखो प्रूफिंग करनी है, प्रूफिंग करने के लिए अगर हाइट को r के रिलेशन में लाना है तो v यहाँ पे क्या कर रहा है, v को रिमूव कर दो, v की वैल्यू कितनी है देखो, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई r की पावर 6, 18 यहाँ पे आके काट दो 18 को, बल्कि 2 9 18 2 2 4, अब ठीक है ये हो जाएगा 2 r की पावर 6, ठीक है, और क्या हो गया 5² अपॉन में कितना आ गया 9 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हो जाएगी रूट में, क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 r की पावर 6 π² अपॉन में 9, क्या हो जाएगी v की वैल्यू, 2 का हो जाएगा रूट 2, r की पावर 6 का क्या हो जाएगा 3, π² का क्या हो जाएगा π और 9 का क्या हो जाएगा 3, ये वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है, v की वैल्यू आ रही है। मैंने आपको बताया था प्रूफिंग करते वक्त हमेशा कॉन्स्टेंट को गायब करना है, आपको याद है पिछली वाली क्लास मेरी, मैंने आपको बताया था प्रूफिंग करते वक्त हमेशा कांस्टेंट रिमूव करो, कांस्टेंट को क्या करो रिमूव करो। तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए प्रूफ कर दो। तो आप मुझे बताओ पहले कि मैं प्रूफ कैसे करूं, मुझे प्रूफिंग चाहिए, एक काम करो जगह तो बची नहीं है यहां प्रूफ कर देता हूं, ठीक है, उतारना लास्ट में जो प्रूफ करना है कि हाइट इक्वल टू रेडियस, तो उसमें एच की वैल्यू पुट कर देता हूं, h इक्वल टू 3 है और v है अपॉन में कितना है π r² यही है, v की वैल्यू निकाल रखी है मैंने, v की वैल्यू है रूट 2 लिख दिया, r भी क्यूब लिख दिया, ठीक है, पाई भी मैंने लिख दिया और अपॉन 3 है, अपॉन 3 यहां पे लिख दो, देखो 3 से 3 गया, पाई से तो पाई गया, r स्क्वायर से ये गया, तो हाइट किसके ऊपर आ गया रूट 2 इंटू में आर, ठीक है, प्रूफ भी हो गया, हैंस प्रूफ ये हो गया। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देखोगे पूरा क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव की तरफ मिनिमम हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद प्रूफिंग करनी है। पहले तो आप ये पूरा उतारोगे, यहां तक पूरा उतारोगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है और ये प्रूफिंग आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यहां तक पूरा एंड, उसके बाद वो सेकेंड पार्ट है, फिर ये आपका थर्ड पार्ट है, प्रूफ करना है। जल्दी उतारना प्लीज एक बार।
थर्ड पार्ट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी चीज प्रूफ करनी है, यहां पर हाइट को रेडियस के बराबर रिलेशन में लाना था। तो मैंने समझा कि हाइट और रेडियस में v की वैल्यू क्या कर रही है, v की वैल्यू को पुट करने के लिए मैंने v की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो v की वैल्यू मैंने पुट की, आपका रिलेशन था h इक्वल टू कितना था 3v, इसके अलावा कितना था यहां पे पाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन था। v की वैल्यू मैंने रख दी, ध्यान से देखना एक बार मैं बता देता हूं फिर से, एच इक्वल टू थ्री, वी की वैल्यू टॉप से देख सकते हो रूट टू आर की क्यूब पाई पर अपॉन में थ्री, ये वी की वैल्यू थी, थ्री वी हो गया और अपॉन में चल रहा है पाई आर स्क्वायर, क्या चल रहा है पाई आर स्क्वायर, थ्री से तो थ्री खत्म, ठीक है, थ्री वी यही था, वी की वैल्यू इतनी थी पूरी, यही था ना थ्री वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, थ्री से थ्री खत्म, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से उसका क्यूब कैंसिल, तो कितना बचा रूट टू और आर इक्वल टू एच, यही प्रूफ करना था। एल्टीट्यूड को क्या लाना था, रूट टू टाइम्स रेडियस, ये लाना था, ठीक है। तो ये प्रूफिंग थी, ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, पूछना तो पूछ लो फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्लास में लिंक पे चलेगी। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आसान क्वेश्चन है, पूरा नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये मैं ये वाला पूरा कराया तो अगला वाला पूरा नहीं कराऊंगा। इन क्वेश्चंस को बहुत तीन तीन बार करना है, दो तीन बार करना है अपने हाथ से सभी क्वेश्चंस को, थोड़ा टाइम लगता है, सिक्स चैप्टर थोड़ा हार्ड है, इसलिए अप्लीकेशन वाला कोई भी चैप्टर थोड़ा ईजी नहीं है, उसको आपको उसमें दो तीन बार करना है आपको, इसलिए देखो ये कह रहा है कि शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, क्या होता है सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल तो ये होता है, तो सेमी क्या होगा आधा, तो लेट कर लोगे इसमें, लेट सेमी वर्टिकल एंगल क्या कर लोगे, लेट अल्फा, रेडियस को आप जानते ही हो क्या लेट कर लोगे आर, स्लैंट हाइट को क्या लेट कर लोगे एल, क्योंकि कर्व की जरूरत पड़ेगी शायद इसमें, और वर्टिकल हाइट को क्या मान लोगे एच, ये सारा काम आप कर लेने। काम की बात करते हैं, क्या गिवन है क्या कॉन्स्टेंट है देखते हैं। इसने बोला हुआ है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है पहला टारगेट, ट्रेन टारगेट है आपका ये, उसके बाद एंड गिवन स्लेंट हाइट, गिवन स्लेंट हाइट को अंडरलाइन करो पहले, तो जल्दी से गिवन स्लेंट हाइट, गिवन स्लेंट हाइट L होता है, गिवन का मतलब हो गया कि आपका L कांस्टेंट हो गया, जैसे ही उसने गिवन बोल दिया मतलब उसकी वैल्यू फिक्स कर दी, यहाँ पे स्लैंट हाइट कांस्टेंट है, इतनी बातें क्लियर हुई। आपको वॉल्यूम ऑफ अ कोन को मैक्सिमाइज करना है, स्लैंट हाइट गिवन बोला है, साफ साफ बोला है, तो आपको फिलहाल इसको कांस्टेंट मानना है, इस बार ये वेरिएबल नहीं है। चलो टू द पॉइंट चलते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा रिलेशन बना लेना चाहिए, उसके लिए मैं जगह छोड़ता हूं, बाद में देखते हैं इसको, टू द पॉइंट चलते हैं। पहले एक बात और प्रूफ करना है, अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट टू होनी चाहिए, वो बोल रहा है कि आपका सेमी वर्टिकल एंगल टेन इनवर्स होना चाहिए, वो तो बाद की बात है। चलो वी फोर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आप जानते हो ना क्या होता है, वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच, कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है इसमें, जो प्रॉब्लम है वो दिख रही है, ये दो वेरिएबल में है, आर में और एच में है, ये किसमें है, ये आर में और एच में है, तो आपको तो चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए जब दिमाग काम ना करे, डाटा वाटा ना दिया हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं,
फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एल आर एच में रिलेशन होता है, फिर भी लगाना चाहते हो तो लगा लो। इन ट्रायंगल एसीडी वही बात होगी, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। यहां से मुझे लगता है रूट से बचने के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर, नहीं तो एच रूट में आ जाता। एल तो कॉन्स्टेंट है तो आर आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, एच में। चलो पूरा पूरा क्वेश्चन एच में कन्वर्ट, वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर इंटू में एच। उसके बाद आप थोड़ा इसको जल्दी देखो, इसको सही करो, मल्टीप्लाई कर लो, वन बाय थ्री ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एच माइनस एच स्क्वायर इंटू एच के हो जाएगा एच का क्यूब। जल्दी से डिफ्रेंशिएशन, वी डैश एच वन बाई थ्री पाई एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बताया था आपको, बाहर आ जाएगा एच का वन, ये हो जाएगा थ्री एच स्क्वायर। ठीक है, इसको जीरो पुट कर दो, जीरो पुट हो जाएगा वन बाई थ्री पाई, सब जीरो हो जाएगा ये। तो जीरो पुट करने के बाद मेरे हिसाब से ये जीरो खत्म हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा थ्री एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू बच जाएगी मेरे हिसाब से एल बाय रूट थ्री। एच की वैल्यू तो आ गई, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद अब आपको इसका डबल डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव की तरफ ध्यान दो, डबल डेरिवेटिव करते हैं, यहां से नजर होनी चाहिए आपकी, वी सिंगल डैश ऐसे डबल डैश करो वन बाय थ्री पाई, अभी वन बाय थ्री पाई के बाद एल स्क्वायर अकेला है और कॉन्स्टेंट है, क्या होगा एल स्क्वायर अकेला है कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, स्लैंट हाइट गिवन है कॉन्स्टेंट है, माइनस थ्री एच स्क्वायर है तो माइनस थ्री बाहर एच स्क्वायर का हो जाएगा टू एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे लगता है यहाँ पे एच की वैल्यू रख देनी चाहिए, एच की वैल्यू है एल अपॉन रूट थ्री, एल अपॉन कितना रूट थ्री, तो पाए बाय थ्री अपनी जगह ठीक ही है, थ्री टू जै सिक्स, एच की वैल्यू है एल अपॉन रूट थ्री, देख लो आप नेगेटिव आ चुका है, थ्री टू जै होता है सिक्स। ठीक है, तो माइनस का टू पाई एल अपॉन रूट थ्री, नेगेटिव वैल्यू को कहते हैं लोकल मैक्स। किस पे भाई, एट एच इक्वल टू एल बाय रूट थ्री, एच इक्वल टू एल बाय रूट थ्री, ये तो हो गया। एच निकाल ही लिया है तो आर भी निकाल ही लो। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, जरूरत पड़ेगी। आर स्क्वायर इक्वल टू था एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है माइनस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस थ्री, आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर गया तो टू एल स्क्वायर अपॉन में थ्री। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा रूट टू, एल स्क्वायर का रूट एल और थ्री का क्या हो जाएगा रूट थ्री। यहाँ से तो आर की वैल्यू भी आ गई और एच की वैल्यू भी आ गई, हमने कर दिया। चलो हमारा वॉल्यूम तो मैक्सिमाइज हुआ, अभी एक काम और करना है आपको। अभी काम ये करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा को टेन इनवर्स रूट टू दिखाना है। इसकी प्रूफिंग मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर देते हैं। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, आपको प्रूफ करना है अल्फा इक्वल टू आना चाहिए टेन इनवर्स रूट टू। अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, वो आप करोगे, मैं ये कर देता हूँ ध्यान से। यहाँ प्रूफ देखो, मैंने आपको बताया था जहां डाटा होता है गिवन वहीं पे आपको नजर होनी चाहिए। अल्फा कौन से ट्रायंगल के पास है, बोलो अल्फा कौन से ट्रायंगल के पास है। अल्फा आपका एसीडी के पास है, उठाते हैं इसको, अल्फा एसीडी के पास है, उठाओ, लिखोगे इन ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एसीडी में टेन के टर्म में आंसर चाहिए। आपको पता है आपने टेंथ क्लास में अगर ज्योमेट्री पढ़ी थी तो अगर थीटा यहां होता है तो अगर आपका थीटा यहां पे होगा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है, थीटा जिस पे बैठा हुआ है उसको बेस माना जाता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस ये माना जाता है। दिख रहा है सबको, अगर ट्रायंगल के अंदर थीटा जहां पे भी हो, थीटा जहां पे भी हो उस थीटा के सामने वाला जो पार्ट होता है वो परपेंडिकुलर माना जाता है, बेस उस थीटा का माना जाता है 90 के सामने हाइपोटेन्यूस। तो आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल को अगर ड्रॉ किया जाए, किसको एडीसी को ड्रॉ किया जाए एक बार, तो देखते हैं ट्रायंगल एडीसी ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक बार, एडीसी
तो अल्फा यहां पे है तो सामने वाला क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या मान लिया जाएगा उसका बेस, और ये क्या माना जाएगा उसका हाइपोटेन्यूज। तो फिलहाल परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, वो तो आर है, बेस की वैल्यू कितनी है एच। चलो तो फिलहाल आपको टेन अल्फा चाहिए, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के सामने परपेंडिकुलर का नाम है सी डी, बेस का नाम है ए डी, सी डी की वैल्यू है आर, ए डी की वैल्यू कितनी है एच। आपको जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा आराम से। आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आर की वैल्यू है रूट टू एल बाय थ्री। आर की वैल्यू कितनी है, रूट टू एल और बाय थ्री, सॉरी रूट थ्री। ये लाइन किस चीज की होती है बताएगा कोई, ये लाइन किस चीज की होती है, डिवाइड की, डिवाइड लगा लो। एच की वैल्यू पता है किसी को, एच की वैल्यू है एल बाय रूट थ्री, एच की वैल्यू है एल बाय रूट थ्री। डिवाइड में तो आप जानते हो नीचे से नीचे वाला कट जाता है, एल से एल कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, रूट टू, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स, क्योंकि टेन वाला भी टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट टू, हेंस प्रूव्ड। यही बताया था आपको, यही करना था, तो आपका टेन इनवर्स रूट टू भी आ गया। कुछ नहीं किया है मैंने, बहुत सिंपल चल रहा था क्वेश्चन, सिंपल ही रहने दिया क्वेश्चन को, जो करना था वो बहुत सिंपल तरीके से किया है। मुझे टेन में आंसर चाहिए था तो अल्फा को उठाया, टेंथ क्लास वाले फॉर्मूले लगा दिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन का, साइन थीटा बोलता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाता, कॉस बोलता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाता, टेन अल्फा की वैल्यू आ गई थी, टेन को वहां शिफ्ट किया, इनवर्स बन गया, वो खत्म कहानी। तो ये आपको काम करना था। मुझे लगता है अगर मैंने 25 करा दिया है तो क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों सेम है, 26 आप करोगे होमवर्क है आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, साइन करना है वहां 10 की जगह, बस ये सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिया,
क्वेश्चन नंबर 27। वैसे तो ये हेलीकॉप्टर जैसा क्वेश्चन है, लेकिन वो एग्जांपल मैं बाद में कराऊंगा, ये भी वैसे सेम ही है लैंग्वेज कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट है, पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एमसीक्यू टाइप का। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व की वैल्यू दी हुई है, कर्व की इक्वेशन है, कर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, पैराबोला टाइप है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू वाई, ये एक पैराबोला है, मुझे तो पता लग गया, आपको भी पता होना चाहिए। देखो ग्यारहवीं क्लास में आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, इस तरह की इक्वेशन पैराबोला की होती है, ठीक है, जहां पर फोर ए लैटिस रेक्टम होता है। तो क्योंकि जिसकी पावर कम होती है उसके अलग होता है, y की पावर कम है तो y के अलग हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, यहां पे भी y के पावर कम है तो y के अलग हो जाएगा। ओरिजिन से क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि x जीरो पुट करने पे y भी क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए ये y एक्सिस से जाएगा इस तरीके से। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, एक डायग्राम की जरूरत थी नहीं, वैसे मैंने बना दिया है, ठीक है। अब उसने बोला है कि आपको नियरेस्ट फाइंड पॉइंट फाइंड करना है, नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना है फ्रॉम कहां से, 0.5, विच इज द नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5। 0.5 आपको कहां दिखते हैं, 0.5 यहां कोई पॉइंट होगा, 0.5 ये बोल रहा है कि इसका नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा ये आपको बताना, ठीक है, कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। मुझे नहीं पता कि इन सब में से कौन सा नियरेस्ट पॉइंट होगा, तो मैं उन सभी पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को जो नियरेस्ट होगा मैं कुछ मान लेता हूं। लेट नियरेस्ट पॉइंट, लेट नियरेस्ट पॉइंट बी एच कॉमा के, देखो एग्जांपल भी आपका ऐसा एक वहां पे लिखा हुआ है, एक हेलीकॉप्टर है दुश्मन का, हमारे एनिमी का, दुश्मन का हेलीकॉप्टर इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ऐसा वो बोल रहा है, और यहाँ पे सोल्जर खड़ा है, एक सिपाही है, आर्मी वाला है, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो उसको कहां से गोली मारे, उस फ्लाइट को जो यहाँ इस अलोंग द कर्व मूव कर रहा है वो कहां से गोली मारे जो सबसे पास उसके लिए टारगेट हो। तो एक एग्जांपल ऐसा भी है, उसे आप कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में जस्ट वैसे ही एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो आप यहाँ पे स्टैंड बाय कर रहे हो, आपके हाथ में गन है और हेलीकॉप्टर आपके दुश्मन का यहां से मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, बार बार इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो आपका काम क्या है, आप कहां से उसमें शूटिंग करोगे, आप शूटिंग वहां से करोगे जहां से आपका दुश्मन सबसे पास होगा, मानते इस बात को, दुश्मन सबसे ज्यादा पास होगा वहां से आप टारगेट बनाओगे उसको। तो ऐसा ही कुछ ये बोल रहा है यहाँ पे, कम से कम लैंग्वेज में बोल रहा है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में सेम ऐसा ही है। तो मैं मान लेता हूं कोई भी पॉइंट इस कर्व पे होगा जो सबसे पास होगा उसको क्या मान लिया, एच कॉमा के। अब आपसे एक बात पूछता हूं, ये एच कॉमा के कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे, तो क्या ये एच कॉमा के इस इक्वेशन पे लाई करेगा, सोच के बताओ, ये मैं आपको लिख के नहीं दे रहा, आपसे पहले पूछ लेता हूं, अगर ये एच कॉमा के इस कर्व पे कहीं पे भी मूव कर रहा है, कहीं पे भी कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्या इस इक्वेशन पे लाई करेगा, ये मुझे आप पहले बताओ, यस या नो लिख के बताओ, सोचो, टेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। अगर उस कर्व पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं एच कॉमा के, तो क्या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, करेगा, तो करेगा, तो मैं क्या इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, आप लिखोगे सिंस एच कॉमा के लाई ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू वाई, देयर फोर एक्स की जगह पे एच पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वाई की जगह पे के पुट कर सकते हो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, टू के। अब यहां से मुझे लगता है के की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए ताकि क्वेश्चन एक वेरिएबल में रहे, एच स्क्वायर अपॉन में टू इक्वल टू के, इससे के की वैल्यू एक वेरिएबल में रहेगी, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं करना क्या है, करना है डिस्टेंस को मिनिमाइज,
करना क्या है, डिस्टेंस को मिनिमाइज। आपका जो डिस्टेंस है उस नियरेस्ट पॉइंट से, मान लिया यहीं पे कोई नियरेस्ट पॉइंट रहा होगा एच कॉमा के, आपको शूटिंग यहीं पे करनी है या यहाँ पे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो टारगेट है मेन वो ये है कि 0.5 से आपको एच कॉमा के जो कि नियरेस्ट पॉइंट है वहां पे आपको शूटिंग करनी है, ठीक है, आपको गन चलाना है। तो उस केस में लिखा नहीं है क्वेश्चन में, एग्जांपल सेट किया मैंने, ठीक है, उस केस में आपको इसके डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसके डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज। तो आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे, लिख लोगे D4 डिस्टेंस, डिस्टेंस का नाम ए बी भी हो सकता है, ए बी को क्या कहा गया यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आप जानते ही हो कितना होता है, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। आप मुझे बताओ फिलहाल ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ए बी इक्वल टू x2 - x1 करने, चलो करते हैं x2 - x1 h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 5 का होल स्क्वायर, k - 5 का होल स्क्वायर। मैंने आपको कुछ बताया था कि आप रूट आने पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, वो करो ताकि बच जाओगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर को लेट कर लेना जेड, मैंने आपको पहले भी बोला था ये बात, पूरा क्वेश्चन आपका फिलहाल जेड में है और दो वेरिएबल में है, क्या लिख दोगे, एच कॉमा के में, मुझे एच में चाहिए या के में चाहिए, ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, इसको ओपन कर सकते हो तो कर दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, खोलोगे तो आ जाएगा अपने, ठीक है, ये हो गया। अब आपको नहीं लगता किसी एक की वैल्यू रख देनी चाहिए, छोड़ो उसको ओपन मत करो, फायदे में रहोगे, कितना हो जाएगा के माइनस का 5। अभी आपके पास दो वेरिएबल है, मैंने बताया था आपको किसी एक वेरिएबल में आना है, तो वो वेरिएबल कौन सा होगा देखते हैं। देखो सबसे पहले आप कुछ मान लो, इसको जेड मान लिया आपने, तो लिख लो जेड और किसकी वैल्यू पुट करने वाले हो, के की वैल्यू एच के टर्म में, तो इसको लिख लो जेड एच, एच वेरिएबल में, ठीक है, यहां पे हो जाएगा एच स्क्वायर और उसके बाद के माइनस 5 है, के की वैल्यू है एच स्क्वायर अपॉन 2, एच स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू, ठीक है, एच स्क्वायर हो गया, k की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई थी h स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलो डेरिवेटिव करते हैं, z डैश h इज इक्वल टू कितना हो गया 2h प्लस पावर, पावर में से एक लेस और डेरिवेटिव विदाउट पावर, विदाउट पावर करोगे तो हो जाएगा h स्क्वायर का 2h अपॉन 2 माइनस 5 का 0, इससे ये कैंसिल, ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास भी एच है, इसके पास भी एच है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2h कॉमन ले लो, 2h कॉमन लेते बच जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ से 2 जा चुका है, बच जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5, ये बच जाएगा और अपॉन में एच जा चुका है जो इंटू में एच है गया, ठीक है, तो जेड बैस एच को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2h इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, चलो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब अगला 1 प्लस का h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू क्या करना है 0, आपको पता है h स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, जल्दी से सोच के बताओ, h स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, k, बेकार में एलसीएम लोगे, फैक्टर बनाओगे, कौन करेगा इतना, h स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू k है, लिख दो h स्क्वायर अपॉन 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, k, लिख दो, 1 में से 5 गया तो माइनस 4 इक्वल टू 0, के की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है, ये तो हो गया। ये कह रहा है h की वैल्यू 0 होने पे, h की वैल्यू 0 होने पे 0 अपॉन समथिंग 0, k की वैल्यू 0 आ सकती है, ये कह रहा है एक नियरेस्ट पॉइंट तो यहाँ पे हो सकता है, वो तो होता ही है, ये कह रहा है एक नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है 0.0। आपको यहां से बुध बाजार जाना है या आपको बुध विहार जाना है, पीतमपुरा जाना है, तो आप टेढ़ा रास्ता अपनाओगे या बिल्कुल सीधा सीधा जाओगे, शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल सीधा ही होता है। तो ये कह रहा है एक नियरेस्ट पॉइंट तो ओरिजिन हो गया, ठीक है, एक नियरेस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, ओरिजिन, लेकिन ये तो पता लगेगा डबल डेरिवेटिव करने के बाद, फिलहाल तो ले आया हूं मैं, मगर डबल डेरिवेटिव करेंगे, के की वैल्यू 4 आ गई है, चाहो तो यहां रख के देख सकते हो,
एच स्क्वायर की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। के की वैल्यू 4 आने पे एच स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू के की जगह 4 लिख दो, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 टू जो 8 दैट इज एच इक्वल टू 2 रूट पे ये आ जाएगा। तो एक नियरेस्ट पॉइंट जो बन रहा है वो बन रहा है 2√2,4, ठीक है 2√2,4 एक ये बन रहा है ए ऑप्शन। लेकिन अभी डबल डेरिवेटिव हुआ नहीं है, डबल डेरिवेटिव करूंगा तब बात करते हैं इस पे हम। डबल डेरिवेटिव देखो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, ठीक है जेड डबल डैश एच है, जेड सिंगल डैश डबल डैश हो गया, करो देखो 2h में से 2 बार h का 1 हो जाएगा, 2 बार h का 1 बहुत बढ़िया देखो आगे। यहां से आप एक काम कर सकते हो, ठीक है 2h और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का कॉमन ले लिया ना मैंने तो, ठीक है इसको कर लो, ये हो जाएगा h का क्यूब, ठीक है कितना हो जाएगा 2 है, एच स्क्वायर अंदर आएगा h का क्यूब अपॉन 2 माइनस 5h ऐसा कुछ होगा, करके देख लेते हैं। यहां पे आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 5, ठीक है सारा वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि h की वैल्यू मुझे पता थी कितनी है, h की वैल्यू यहां पे कितनी है 0, देखते हैं डबल डैश में एक बार 0 पुट करो, जैसे ही 0 पुट करोगे तो 2 बन जाए 2, एक 2 हो गया, देखो 0 पुट करोगे तो 3 बाय समथिंग 0 आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे माइनस 10 2 में से माइनस 10 हुआ तो माइनस 8 क्या आ रहा है वैल्यू नेगेटिव। आपको मिनिमम चाहिए मैक्सिमम चाहिए, डबल डेरिवेटिव में आपने 0 पुट किया, 0 पुट करने पे नियरेस्ट पॉइंट नेगेटिव आ रहा है तो ये तो मैक्स हो गया, मैक्स होने पे मैं नहीं लूंगा इसको, मैक्स हो गया इसका मतलब ओरिजिन वो पॉइंट नहीं है, ये हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है मैंने आपको बताया था पता तो बाद में लगेगा, ये ओरिजिन उसका नियरेस्ट पॉइंट नहीं है, ध्यान से सुन रहे हो सब मेरी बात। मैंने जब 0 को क्रिटिकल पॉइंट में पुट किया डबल डेरिवेटिव में तो मेरा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, मुझे तो मिनिमम चाहिए था, मैक्सिमम थोड़ी मिनिमम पॉइंट चाहिए, तो इसका मतलब ओरिजिन नहीं है, कट कर दो ओरिजिन आपका मिनिमम पॉइंट नहीं है। आगे देखते हैं, इसी डबल डेरिवेटिव में जो कि आप निकाल के बैठे हो, इस डबल डेरिवेटिव में फिर से एक चीज और पुट कर रहा हूं, नाउ अगेन डबल डेरिवेटिव में एच की एक और वैल्यू है हमारे पास, ये एच की वैल्यू 2√2 ये पुट करते हैं, एच की वैल्यू 2√2 पुट करते हैं एक बार, यहां से आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 2√2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 8 अपॉन में 2 माइनस 5, ठीक है ये आ जाएगा आपका, इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल हो जाएगा, 8 हो जाएगा 24, 2 5 से कितना हो जाएगा 10, ठीक है ये हो जाएगा 14 2 26, 9 9 10 कितना हो जाएगा 16, ये पॉजिटिव आ गया, तो ये आपको हो जाएगा लोकल मिन, ठीक है किस पे एट एच इक्वल टू 2√2 ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इसलिए इस पॉइंट को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट, तो इसका मतलब नियरेस्ट पॉइंट होगा 2√2,4 कहीं पे आ रहा होगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये आ रहा होगा कहीं पे, यही आ रहा होगा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है 2√2,4। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है तो इस तरह से एक पॉइंट आपका रिजेक्ट हुआ एक एक्सेप्ट हुआ, हेंस द नियरेस्ट पॉइंट विल बी, हेंस द नियरेस्ट पॉइंट इज कितना 2√2,4 ये लिख लो। एक अपाचे हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है वो भी कर लेना सेम ऐसा ही। अकाउंट की क्लास कितने बजे है?
अगले दो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगले दो क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव नहीं करना है, मैं तीन चार बार बोल रहा हूं, लास्ट के टू क्वेश्चन में 28-29 में डबल डेरिवेटिव नहीं करना है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं, 28 और 29 स्टेप क्लियर कर देता हूं। इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है, सुनना मेरे बात ध्यान से। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 28 और 29 में कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इतनी सी बात पूछ रहा है। जब उसने आपको कही दिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब ऑटोमेटिक ये फंक्शन मिनिमम है, तो आप डबल डेरिवेटिव नहीं करोगे। ऐसे ही 29 में बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको जब उसने खुद ही कह दिया कि ये मैक्सिमम है, बस आप वैल्यू बताओ। अच्छा ये बताओ मुझे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि क्वांटिटी की बात कर रहा है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी की बात कर रहा है। क्वांटिटी का मतलब हो गया एब्सोल्यूट का केस, उसमें हम क्रिटिकल पॉइंट को निकाल के एफएक्स में पुट करते हैं। कहां पुट करते हैं? एफएक्स में। तो जब इसने खुद ही कह दिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली मिनिमम मैक्सिमम तो हो ही गया। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि मिनिमम निकालो मैक्सिमम निकालो, पहले डबल डेरिवेटिव करो। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और उसे फंक्शन में लाके पुट कर देना है। 28, 29 का स्टेप बहुत सिंपल है, फंक्शन दिया हुआ है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये फंक्शन गिवन है, आपको दिख भी रहा होगा, फंक्शन गिवन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, केवल सिंगल डेरिवेटिव करना है, चाहे क्वेश्चन रूल लगाओ चाहे प्रोडक्ट रूल लगाओ जो मर्जी। उसके बाद उसको फैक्टर वैक्टर बना के जीरो पुट करना है, एक्स का एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिक क्रिटिकल पॉइंट को आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में जब मैक्सिमम मिनिमम कह दिया है तो डबल डेरिवेटिव तरफ नहीं जाओगे आप, बस वैल्यू के लिए क्या करोगे, एफएक्स को लिखोगे, और क्वांटिटी के लिए हमने जब बताया हमेशा क्रिटिकल पॉइंट निकाल के एफएक्स में पुट करते हैं, तो एफएक्स में इस क्रिटिकल पॉइंट को, यूनिक क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर देना। मिनिमम तो बोल ही रखा है तो मिनिमम आ जाएगा, और अगले वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, मैक्स। तो केवल क्या करना है, अपने फंक्शन में वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और पुट करना है, अपने फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट निकालना है पुट करना है। ये उसका मिनिमम पॉइंट होगा, ये उसका मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों ही क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। 28 में क्वेश्चन ट्रूल लगेगा, 29 में सिंपल लगेगा पावर फॉरवर्ड से एक लेस वाला। बात समझ में आ गई, ये आपको मैं क्वेश्चन ये वाला करा दूं। आप एक काम करो, आप कुछ एग्जाम्पल निशान लगाओ जो आपको घर से करने हैं, ये एग्जांपल्स घर से ट्राई करने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं एग्जांपल्स कराऊं आपको। एग्जांपल नंबर 29, एग्जांपल नंबर 30, एग्जांपल नंबर 29, एग्जांपल नंबर 30, एग्जांपल नंबर 29, कुछ एग्जांपल्स आपके साथ घर से ट्राई करने हैं। एग्जांपल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 30 सारे करने, वैसा तो फिर भी एक आध कट करने वाला होगा तो करवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 32, 33, एग्जाम्पल नंबर 32 और 33, ये सारा होमवर्क है। पहले तो वो करना जो मैंने कराया है। 33 के बाद आ जाओ 35, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 35, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 35 के बाद 36 काट दो, 36 आपको नहीं करना है, 36 आपको नहीं करना है, रहने देना, या तो सिलेबस में मगर करना नहीं है आपको। एग्जाम्पल 37, एग्जाम्पल 37 करना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 37 करना है। 38 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 38 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर ये आपको अभी नहीं करना, ये समझ में आ जाए तो कर लेना, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ट्राई करना हो जाए तो। यूनिक डायग्राम है इसका, ठीक है। इसके अलावा जो सारे पेपर में आए हुए हैं, कितनी बार आए हुए आप सोच नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 40, 41, एग्जाम्पल नंबर 40 और 41,
41 अगेन हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हेलीकॉप्टर जैसे कराया वैसे 41 है, एग्जांपल 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर की तरह डायग्राम सेम बनेगा जैसे बनाया था ये मैंने, ये इतनी पढ़ाई आप करके आओगे, ठीक है, इतने क्वेश्चन करके लाओगे, और मेरे लिए थोड़ा सा वेटेज कम कर दो, मैं मिसलेनियस में आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि अब आप पढ़ाई कर चुके हो काफी, इसलिए मिसलेनियस में भी आपको मैं आज होमवर्क दूंगा, एक हैवी होमवर्क दूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में मेरे लिए बर्डन कम हो जाए, क्योंकि मुझे इस वीक में चैप्टर खत्म करना है। मिसलेनियस की तरफ आ जाओ, मिसलेनियस में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ याद रहे 6.5 का ए पार्ट अभी रह रहा है थोड़ा बहुत, इसमें आ जाओ मिसलेनियस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, काट देना, ठीक है। एग्जाम्पल 50 भी ऐड कर लो इसमें, एग्जाम्पल नंबर 50 भी ऐड कर लो, एग्जाम्पल 50 हो गया, 50 के बाद 51, जितना हो सके मेरे लिए बटन कम करो क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी है, एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। मिसलेनियस में आ जाओ, मिसलेनियस में फर्स्ट क्वेश्चन कट कर दो, सिलेबस में नहीं है, सेकेंड क्वेश्चन करना है, थर्ड कट कर दो, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फर्स्ट और थर्ड कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ठीक है। हो सकता है कि 4 आप नहीं कर पाओ, सॉरी 5 आप हो सकता है नहीं कर पाओ, इस 5 क्वेश्चन के लिए मैं आपको करा दूंगा, ये मैं आपको करा दूंगा अगर आपसे नहीं हुआ तो, फिर भी मैंने होमवर्क दिया है 2, 4, 5, 6, 7 ये आपको करना है, 8 कट कर देना, 8 आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको लास्ट क्वेश्चन 13th ये मैं कराऊंगा, 13th का केवल फर्स्ट पार्ट करके लाओगे और सेकंड पार्ट करके लाओगे, 13th का थर्ड पार्ट मैं कराऊंगा आपको, ये बर्डन मेरे कम करके लाना थोड़ा सा, इसमें मोस्टली आपसे 5वां नहीं हो पाएगा, हो सकता है, और 13th का थर्ड पार्ट आपसे नहीं हो पाएगा, बाकी सब आपको होमवर्क करना है जितना यहाँ लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो मिसलेनियस बच गया है वो मैं आपको कराऊंगा, यानी मेरे लिए ये बस 2 क्लास का है, ठीक है। अगले 2 क्लास में कहानी खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, ठीक है, कोई डाउट हो 6.3 में 2 में वो पूछ सकता है या नेक्स्ट क्लास तक तो पूछ सकता है। हाँ ये एब्सोल्यूट का केस है, जो 28, 29 है ये एब्सोल्यूट के केस है क्योंकि क्वांटिटी पूछी हुई है इसमें, ऑलरेडी उसने बोली दिया है। एब्सोल्यूट का केस तो वैसे क्या बोलोगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही क्लियर कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि मिनिमम वैल्यू आने वाली है, तो इसको लोकल का भी केस कह सकते थे 28, 29 को, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट होता है तो इंटरवल भी दिए होते हैं उसमें, एब्सोल्यूट नहीं लोकल है ये, लेकिन आपको क्लियर कर दिया उसने कि डबल डेरिवेटिव नहीं करना, वो पहले उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। इतना आप पहले समझो, ये सारे क्वेश्चन करके लाने हैं, किसी को कोई डाउट पूछना है 6.2 से 3 से वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, और अकाउंट क्लास है तो बात अलग है, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कुछ पूछना है तो बताओ किसी को, कुछ कोई डाउट्स हो किसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी के, कोई 6.3 से हो, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं आपको, एक फॉर्मूला लिख लो, आपके पास फॉर्मूला नहीं होगा वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 5th करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5th करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फॉर्मूले की ये जरूरत पड़ेगी। अगर आपको एक लाइन दी हुई है, लाइन दी हुई है ax + by + c के फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का फॉर्मूला आपको पता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 होता है, तब तक सॉल्व करते हैं जब तक ऐसा ना हो जाए। इस लाइन से एक पॉइंट दिया हुआ है x और y, तो आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है इसके बीच का डिस्टेंस,
तो फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। मैंने आपको स्लोप पढ़ाते वक्त भी लिखवाया था, पॉइंट एंड लाइन, इस डिस्टेंस को डी कह रहा हूं। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा मोड, ताकि नेगेटिव ना आए, ए क्या चीज है, एक्स का कोफिशिएंट जो लाइन के पास है, एक्स वन, इसको एक्स वन वाई वन मान लो, एक्स वन और वाई वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स वन वाई वन उस पर पॉइंट है, ठीक है, ये हो जाएगा। ये फिफ्थ क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, पहले लाइन बनानी है यहाँ तक आपको, उसके बाद डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालना है, तो एक्स और वाई की जगह पे जीरो जीरो पुट हो जाएगा, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया, मिसलिंग इसके हिंट दिया है, फिर भी नहीं होगा तो करा दूंगा। कुछ पूछना है तो बताओ, 6.3 से पूछे, कुछ भी पूछना हो तो बताओ, ठीक है, बाद में पूछ लेना, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक नोटिफिकेशन और है, मैं वो फी के बारे में बता रहा था, कुछ फी के बारे में समझा देता हूँ, फिर देख लेना एक बार। एक्चुअली फी जो मेरी रहेगी वो इस बार या लास्ट में मोस्टली मैं इकट्ठे लेता हूँ, वो तो थोड़ा सा इस समय लॉकडाउन था इसलिए मैं रोक दिया था, मगर एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, मोस्टली फीस में 2 या 3 पार्ट में लेता हूँ, ठीक है, वो आप थोड़ा सा कम देख लेना। फी स्ट्रक्चर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फीस स्ट्रक्चर ये है कि 2 मंथ की फीस आप दे चुके हो, मेरी कोर्स की फीस रहती है 8,000 रुपीज, ये मेरी कोर्स की फीस रहती है, ठीक है। ऑटोमेटिक इस पर मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो कई बच्चे 1 पार्ट में दे सकते हैं, ठीक है, 1 पार्ट में देंगे तो उनके लिए फिर ये फीस 7,500 हो जाएगी। अब जिन बच्चों ने फीस दे दी है 2 महीने की, तो वो अगर 1 पार्ट में देते हैं तो वो 2 महीने की फीस मतलब 1200 रुपए लेस करके मुझे 6,300 रुपीज पे करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 पार्ट में देंगे, तो जो 2 पार्ट में देंगे उनके लिए ये 4,000 प्लस 4,000 का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन उन बच्चों ने क्योंकि 2 महीने की फीस दे दी है, तो 2 महीने की फीस दे दी है तो उनका स्ट्रक्चर हो जाएगा 8,000 यानी 4,000 माइनस 600 यानी कि उनको जो आप देने होंगे वो देने होंगे 6,800 टू पार्ट में, ठीक है। और इसके अलावा कोई बच्चा अगर मान लिया सितंबर में आ रहा है, कोई न्यू स्टूडेंट अक्टूबर में आ रहा है, कोई नया बच्चा सितंबर में आ रहा है या अक्टूबर में आ रहा है या जनवरी में आ रहा है, मुझे उससे वो फर्क नहीं है, कराना तो उसको सब कुछ पड़ेगा, तो इसलिए उसकी भी फीस 8,000 ही रहेगी। उसको बैकअप्स में ऑनलाइन वीडियोज मिल जाएंगी, डाउट्स क्लास आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे, और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको इस कंटेंट के अंदर मैं हार्ड कॉपी दे दूंगा, जो भी हार्ड कॉपी है वो दे दूंगा नोट्स की, प्लस 3-4 टाइम्स रिविजन हो जाएगा, इंडिविजुअल क्लास हो जाएगी। लेकिन ये जितने भी आर्डिशन वगैरह क्वेश्चन हैं इसके लिए बुक्स वगैरह आप देख लेना, परचेज कर लेना, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। मगर पहला प्रेफरेंस रहेगा कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पल को 2-3 बार खत्म किया जाए, मॉक टेस्ट होंगे इसमें, इसके अलावा जितने भी सैंपल पेपर्स होंगे वो होंगे, और प्लस इसके अंदर जो भी ऐसे कंटेंट है जो टेस्ट सीरीज में काउंट होते हैं, यानी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फिर पूरे सिलेबस का टेस्ट सीरीज, तो उसके ऊपर वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। बैकअप क्लास को बच्चा छुट्टी मारता है या कुछ भी है, कोई चैप्टर ही उसको पूरा मिस हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो इंडिविजुअली पढ़ा दूंगा, मगर मोस्टली मैं मैथ्स की फीस लेता हूँ इकट्ठे, ये 2 पार्ट या मैक्सिमम किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है तो 3 पार्ट, तो वो करता हूँ। इसका मेन रीजन ये है, बच्चे क्या करते हैं, 2016 तक जब मैं मैथ पढ़ाता था बच्चे क्या करते थे, नॉर्मली दिसंबर तक सिलेबस खत्म किया, बैठ गए, रिजल्ट उनका डाउन, मेरा मेन काम फोकस है रिजल्ट पे, तो इसलिए मैं पहले ही फीस वगैरह का स्ट्रक्चर क्लियर कर लेता हूँ, ताकि टेंशन आपको भी ना हो और टेंशन इधर इंस्टीट्यूट्स को भी ना हो और मुझे भी ना हो। तो इसलिए हमारा मेन फोकस रहता है कि बच्चा सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करे, ये नहीं कि सिलेबस खत्म कर लिया और अपने आप ही पढ़े जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कुछ पता नहीं है क्या नहीं, ठीक है। टीचर भी वहाँ एफर्ट लगा रहा है, स्टूडेंट्स भी एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन बाद में जाके स्कूल्स भी एफर्ट लगा रहे हैं, बाद में आके रिजल्ट 0/∞ हो रहा है। तो इसलिए जो मेरा फीस स्ट्रक्चर है वो मैंने बता दिया, फिर भी किसी की कोई खास प्रॉब्लम हो, कोई खास जेन्युइन प्रॉब्लम हो फाइनेंशियली, तो वो मुझसे पर्सनली बात कर लेगा, मैं उस पर देख सकता हूँ उसको, ठीक है, उसको 3 या 4 पार्ट दे दूंगा। बट मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि या तो फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में 2 पार्ट तक फी पेमेंट कर देना, पहली पेमेंट हो सके तो जून तक कर देना और दूसरी पेमेंट सितंबर में कर देना, अगर सितंबर के आसपास, ठीक है, ये है। फिर भी किसी की कोई खास प्रॉब्लम हो, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे बात कर लेगा उस हिसाब से।
ठीक है, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नहीं मैथ्स में तो एक्चुअली नहीं हो पाएगा, अकाउंटेंसी का तो आप देख सकते हो, लेकिन मैथ्स में नहीं हो पाएगा पर मंथ का। जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो मैं देख लूंगा, दो तीन पार्ट कर सकता हूँ या चार मैक्सिमम कर सकता हूँ, वो भी सबके लिए नहीं, मगर दो पार्ट कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम, दो पार्ट या तीन पार्ट में। ठीक है, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर भी कोई खास प्रॉब्लम हो तो बात कर लेना इंडिविजुअली पर्सनली।